गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की वीडियो 3L चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 9 10 11 और 12 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं तो आपको ये बताने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, चेक करना होगा के लिए। तो फर्स्ट लिया 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 4 क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है, 4 इज़ कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ 4 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, 3 के हो सकते हैं नहीं हो सकते, यहाँ 4 के हो सकते हैं, ठीक। तो 4 इज़ कंपोजिट नंबर। 56 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 7 और 2 आर बोथ प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 और 2 ना ही 7 के फैक्टर्स हो सकते हैं और ना ही 2 के हो सकते हैं, तो दोनों ही दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। फिर 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ 2, 5, 7 आर प्राइम नंबर्स, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ 54 में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो 9 इज़ कंपोजिट नंबर, तो 9 के फैक्टर्स हो सकते हैं और यहाँ 4 के हो सकते हैं। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक। लेकिन एक्सप्रेशन ए में और बी में, ए में और डी में दोनों में कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन बी एंड सी, यानी कि ये बी वाला और ये सी, ये दोनों की दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 45। तो स्टूडेंट्स आपको चेक करना है कि 45 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब किसी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है, आपको ने बताया है ये, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें 45 के फैक्टर्स करेंगे, 45 के फैक्टर्स करेंगे और उनके फैक्टर्स को प्राइम आना चाहिए, ऐसे फैक्टर्स लेंगे 45 के जो को प्राइम हो। अब देखो यहाँ पर 1 फैक्टर होता है, 45 होता है, 3 भी होता है, 15 भी होता है, 5 भी होता है, 9 भी होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, 3 और 15, 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 और 15 के, अगर 3 और 15 के फैक्टर्स किए जाएँ तो कॉमन फैक्टर 1 भी मिलेगा और 3 मिलेगा, 5 और 9 किए जाएँ तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 5 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, तो 5, 9 = 45। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, हेयर बोथ 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, या 5 और 9 के जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कितना है, 1 है, ठीक, 1 है इसका। तो नाउ इफ 25110 इज डिविजिबल बाई 5, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, 5 से होगा जब 45 से है, और 9 से भी होगा, कैसे होगा अब चेक करना होगा, इट विल बी डिविजिबल बाई 45। अब कोई नंबर्स 9 से डिविजिबल कब होता है, 9 से तब होता है जब उसकी जितनी भी डिजिट्स दी हों उन सब का सम 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से। तो सम ऑफ डिजिट्स किया तो कितना आया, 9 आया, और इज जो 9 इज डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल है, तो कह सकते हैं 25110 इज डिविजिबल बाई 9, ठीक। अब 9 से तो है डिविजिबल, ये क्या 5 से भी है, तो कोई नंबर्स 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट में लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो हैज़ लास्ट डिजिट 0, 0 है लास्ट डिजिट, तो 5 से डिविजिबल होगा ये। तो कह सकते हैं कि 25110 इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 9,
फाइव से इसलिए है क्योंकि लास्ट में जीरो है, और नाइन से इसलिए है क्योंकि इन पर सबका समेशन डिजिट्स का नाइन है, तो नाइन से डिजिटला इसलिए है। तो कह सकते हैं ये जो हमको दिए है संख्या नंबर्स दिए है 25110 इज डिविजिबल बाई बोथ 5 और 9। ठीक, तो इसीलिए जब 5 और 9 से है तो 45 से भी होगा, यानी कि 45 से होगा, तो 25110 इज डिविजिबल बाई 45, 5 9 45। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, लॉन्ग है, लेकिन इजी बहुत है। ठीक, तो देखते हैं इसको। 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और 2 × 3 = 6। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 और 6। कैन वी से डैट एट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4 × 6 = 24। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है, यह तो हम जानते हैं, लेकिन उसके फैक्टर से तब होता है जब वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हो, प्राइम नंबर्स में हो। जैसे 2 भी प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, तो स्टूडेंट्स 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए 18 6 से डिविजिबल है, इसलिए। चलो ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन हम इसको अब समझाते हैं। 2 और 3 आर बोथ को प्राइम नंबर्स, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो कह सकते हैं हैंस इसीलिए 18 इज डिविजिबल बाई 6, 2 × 6। ठीक, बोथ बट लेकिन 4 और 6 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, भाई 2 और 3 तो को प्राइम नंबर्स थे, लेकिन 4 और 6 को प्राइम नंबर्स है नहीं है, नहीं है। तो हैंस गिवन नंबर, जो भी नंबर्स को भी नंबर्स दिए हो, इज नॉट डिविजिबल बाई 4 × 6 = 24। करें आ नंबर, अब यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने मान लिया लाइक ले लिया कि 12 इज डिविजिबल बाई 4 से भी है और 6 से भी है डिविजिबल, तो 12 इज डिविजिबल बाई 4 और 6 बोथ, लेकिन वट नॉट डिविजिबल बाई 24, लेकिन 24 से नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 24 होता है, तो 24 से नहीं है डिविजिबल। ठीक, तो इसका आंसर इस तरह से जस्टिफाई होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन फाइंड मी। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें, द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7। 2, 3 ये प्राइम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, 2 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, 2 के ओनली 1 और 2 होते हैं, 3 के 1 और 3 होते हैं, 5 के 1 और 5 होते हैं, और 7 के 1 और 7 होते हैं, ये इसलिए प्राइम नंबर्स हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, तो इन सब की मल्टीप्लाई की तो जो भी नंबर्स मिलेगा, ठीक, तो कितना है 2, 1, 0। स्टूडेंट्स ये आंसर 12 का यहाँ कम्प्लीट होता है। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.5 यहाँ कम्प्लीट होती है, और इस एक्सरसाइज को रिवाइज कराएंगे दोबारा हम, एक्सरसाइज लॉन्ग थी। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपके समझने में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो पूछें मुझसे और अपना वर्क भी कंप्लीट करें। ठीक, और समर असाइनमेंट को लेकर ये बात है कि जिस स्टूडेंट्स का रोल नंबर पता नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स मुझसे बताए कि सर हमारा रोल नंबर हमको पता नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं कोई ना कोई सॉल्यूशंस लिखा लूँगा। ठीक, और स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करते रहें साथ के साथ, और क्वेश्चंस को समझें, बारीकी से समझें, डीपली समझें। ठीक, क्वेश्चंस हो मुझसे पूछें। थैंक यू।